सरकारी सूत मिल पर अचानक तालाबंदी हुई। इस दौरान मजदूरों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा कर प्रदर्शन किया। दरअसल बाजार के हालात और आर्थिक संकट के चलते हुए मिल प्रबंधन ने रोटेशन में आवश्यकता अनुसार कम मजदूरों से काम कराने का फैसला लिया था। बीती रात नोटिस लगाने पर आज सुबह से हंगामा चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहकारी सूत मिल के उपाध्यक्ष हैं। मजदूरों का आरोप था कि कई महीनों से मजदूरों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। मजदूरों के विरोध के बाद अचानक मिल में तालाबंदी हो गई। करीब 500 मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ होकर सड़क पर आ गए। रोजी रोटी का संकट को लेकर जवाहरलाल सहकारी सूत मिल के प्रबंधन के खिलाफ जमकर मजदूर नारेबाजी कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए मजदूरों को काम करने से रोका जा रहा है। वर्षों से काम करने वाले मजदूर क्या करेंगे। मजदूर कलेक्टर को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। मिल के जनरल मैनेजर राजेंद्र जावदे का कहना है कि सूत मिल में तालाबंदी नहीं की गई है। बाजार की हालत खराब होने से करीब 2 वर्षों से सूत मिल घाटे में चल रही है। आवश्यकता अनुसार मजदूरों को बुलाने का नोटिस लगाया था। मजदूरों ने काम बंद हड़ताल कर दी। जिला सहकारी बैंक से लोन लेने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे MD साहब ने अचानक तालाबंदी कर दी है। इसके विरोध में हम सभी श्रमिक भाई इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी 2 से 3 महीने पहले भी यही काम हुआ था, अचानक बंद कर दी थी। तब ले आप का भी रूल था कि मिल ले आप भी देगी, आधी तनख्वाह भी देगी, लेकिन कल जो नोटिस लगाया उस पर ऐसा कुछ दर्शाया नहीं गया है। इसीलिए सब लेबर इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तालाबंदी नहीं की है सर, अभी एक्चुअल में बाजार का बहुत मंदी का दौर चल रहा है, तो किसान मतलब कपास के भाव भी महंगे हैं और यार्न में की डिमांड नहीं बाजार में। तो जैसे जैसे कपास ख़त्म होते जाता है तो फिर वापस से उनको, अभी तो मिल चल रही थी, कल ही जो जो लोगों को ज़रूरत रहती उतने लोगों को काम दिया जा रहा है, और बाकी लोगों को कि भाई जैसे ही माल आते जाएगा वापस चलाते जा रहे हैं, और इस तरह से मिल को चलाया जा रहा है। इंदौर के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली बार ATG थेरेपी यानी घोड़े के खून से निकाली गई एंटीबॉडी से एक स्टूडेंट का सफल उपचार किया गया। दरअसल मूल रूप से गुना का रहने वाला विद्यार्थी जो MBA की तैयारी कर रहा था, वो पिछले कई माह से एप्लास्टिक एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी से परेशान कारण कमजोरी की चपेट में था, जिसके लिए उसने गुना भोपाल सहित अन्य कई जगहों पर इलाज के लिए कई बार चक्कर काटे, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन ब्लड काउंट और प्लेटलेट्स डॉक्टर द्वारा कम होना बताया गया, जिसके बाद ये विद्यार्थी इंदौर के MY हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर उसे शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्षय लोहाटी से मिलने की सलाह दी गई। इसके बाद डॉक्टर अक्षय लोहाटी के द्वारा इसका इलाज शुरू किया गया, जिसमें 3 महीने तक डॉक्टर के द्वारा इसके इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से आर्थिक सहायता ली गई और युवक का आयुष्मान कार्ड बनवाकर इस युवक का इलाज ATG थेरेपी यानी घोड़े के खून से एंटीबॉडीज मिलाकर किया गया। इंदौर के शासकीय अस्पताल में पहली बार संपन्न हुई इस थेरेपी में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस थेरेपी के बाद सामान्य तौर पर होने वाले रिएक्शन से मरीज को कैसे बचाया जा सके, लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार कर इंदौर के शासकीय डॉक्टर ने इस थेरेपी से सफल इलाज संपन्न कराया। तो ये 23 साल का बच्चा है जो गुना का निवासी है। इसको ये MBA की तैयारी कर रहा था, तब इसको पता चला कि इसको कुछ खून की कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो इसने जब जांचें करवाई तो उसमें हीमोग्लोबिन, WBCs और प्लेटलेट्स तीनों कम आए। इसने उधर ही गुना में थोड़े ब्लड चढ़वाए, उसके बाद ये भोपाल गया, उधर से दिल्ली गया, ग्वालियर गया, फिर उन्होंने बोला कि अब तुम इंदौर जाओ। तो फिर ये इंदौर में आके हमारे पास आया क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट को तलाशते हुए। जब हमारे पास आया, जब हमने इसकी जांच की तो इसका हीमोग्लोबिन लगभग 2.5 था। हमारे पास भी काफ़ी दयनीय स्थिति में आया था, जब इसको नाक से, कान से, मुँह से ब्लीडिंग हो रही थी, स्किन में काफ़ी चकत्ते पड़े हुए थे। यही देखते हुए हमने इसको उस टाइम पे तो काफ़ी ट्रांसफ्यूजन्स दिए ब्लड और प्लेटलेट के। साथ में जब इसका बोन मैरो टेस्ट किया तब हमें पता चला कि ये एक एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से जूझ रहा है। उसके बाद फिर हमने इसका बाकी काउंसलिंग थेरेपी वाइज कि हमें क्या मेडिसिन देना है, हमें पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तैयारी करनी है। उसके बाद जब हमें जीन्स नहीं मिला, इसकी एक सिस्टर है जिससे हमने जीन्स मैच करवाई, इसके HLA जीन्स जो नहीं मिले, फुल मैच नहीं मिला, तो फिर हम ATG की दिशा पे चले। बड़वानी में अज्ञात व्यक्ति की नग्न अवस्था में मिली लाश, मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया, पुलिस जांच में जुटी। बड़वानी थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी के पास सिविल सर्जन ऑफिस की छत पर करीब 6-7 दिन पुरानी एक अज्ञात व्यक्ति की नग्न अवस्था में लाश मिली है। हालांकि लाश के पास ही उसके पैंट और शर्ट भी पड़े मिले हैं। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया है।
थाना प्रभारी बलदेव मुजालदा के अनुसार व्यक्ति मानसिक रोगी भी हो सकता है या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस मामले में हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। हाँ, ये जिला चिकित्सालय बड़वानी है, उसके ऊपर जो पुलिस चौकी बनी है उसके साइट में ऊपर छत पे एक अज्ञात बॉडी मिली है। वो करीब 7-8 दिन पुरानी हो सकती है, ऐसी हमारी संभावना है। उसमें अभी हम लोगों ने मर्ग पंजीबद्ध किया है और उसको हर एंगल से हम लोग जांच में लगे हैं, और जैसी जानकारी मिलती है उसका पीएम भी कराया जाएगा, और जिस आधार पे जो पीएम रिपोर्ट मिलेगी और जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के सावर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के एक कारखाने में एकाएक आग लगने का मामला सामने आया है, जिसपे मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फिलहाल इस पूरे घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला सावेर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर सी का है, जहां पर नासिर नाम के व्यक्ति के द्वारा जूते के सोल अलग करने का कारखाना संचालित किया जाता था। वहीं आज जब कारखाने का मालिक नासिर किसी काम से बाहर गया था, उसी वक्त कारखाने के सभी कर्मचारी भोजन के लिए बाहर की तरफ एकत्रित हुए, तभी अचानक कारखाने के अंदर के हिस्से में आग लग गई। वहीं चंद मिनट में ही आग ने कारखाने में रखे वेस्ट जूते को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास की फैक्ट्री और कारखाने के कर्मचारियों और संचालकों को भी काम बंद कर अपने प्रतिष्ठानों से दूर होने की हिदायत दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। 70 साल के बुजुर्ग के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। बजाज फाइनेंस में इंश्योरेंस बंद करने के नाम पर कॉल करके ओटीपी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग का है, जहां पर थाने में बुजुर्ग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पास अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसने अपने आप को बजाज फाइनेंस का कहकर इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई कट रही है उसे बंद करने के नाम पर ओटीपी मांगा और फिर क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपए निकालकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं फोन नंबर के आधार पर जब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हालांकि पूर्व में भी कई बार पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर एडवाइजरी जारी की, लेकिन इसके बावजूद भी लालच में आकर कई बार लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक 52 वर्षीय बुजुर्ग के साथ में उन्हें बजाज फाइनेंस कंपनी करके किसी व्यक्ति का फोन आया, जिसके द्वारा बताया गया कि आपके क्रेडिट कार्ड में इंश्योरेंस की स्कीम चालू है और उसे बंद करवाने के लिए आपको ओटीपी शेयर करना पड़ेगा। तो उनके द्वारा जब वो ओटीपी बताया गया तो इंश्योरेंस की स्कीम ना तो कोई थी, वो बंद नहीं हुई, उल्टा उनके अकाउंट से लगभग 50,000 रुपये निकल गए छोटी छोटी मात्रा में, जिसके बाद उनके द्वारा ये शिकायत थाने पर करी गई। थाने पर शिकायत करने के बाद में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है, जल्द से उनकी गिरफ्तारी करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।